तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम जी के मंदिर की। तो अगर आप लोग भी केदारनाथ यात्रा की तैयारी करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि इस बार कपाट खुलने वाले ही हैं अब, तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन, और जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केदारनाथ जाने के क्या क्या साधन हैं, और कुल कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे, और वहां पर रहने खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और वहां पर हम क्या क्या चीजें घूम सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जहां से भी हैं, आपको आना पड़ेगा हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून। जहां पर भी आप कंफर्टेबल है वहां तक आप आ सकते हैं। हरिद्वार बाय बस बाय ट्रेन आ सकते हैं, देहरादून बाय बस बाय ट्रेन या फिर बाय प्लेन भी आ सकते हैं। वही बात है ऋषिकेश की, ऋषिकेश भी आप बाय ट्रेन या बाय बस आ सकते हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए काफी सारी मोस्टली शहरों से ट्रेनें जल्दी से मिल जाती हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप तुरंत हरिद्वार की ही ट्रेन पकड़िए। हरिद्वार से आने से ये होगा कि आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपके बहुत सारे लॉज हैं, अगर नाइट में आप आते हैं तो वहां पर रुक जाइए। अदरवाइज अगर आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार उतरते हैं अपनी ट्रेन से, तो सुबह ही हरिद्वार के बाहर ही बस स्टैंड मिलता है। बस स्टैंड से आप बस पकड़नी पड़ेगी आपको सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग की बस की दूरी आपको 230 किलोमीटर के लगभग होगी, जो कि आपका रेंट होगा 400-450 रुपये समथिंग बस का। तो वो आप बस पकड़ोगे सुबह 8 बजे, तो शाम को 3-4 बजे तक आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी, जहां पर आप पहुंचकर आप लेंगे होटल में रूम, जो कि लगभग 1000 रुपये समथिंग के चार्जेस में रूम मिल जाता है, और 100 से 200 समथिंग एक आदमी का खाने का खर्चा आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, सुबह सोनप्रयाग से उठकर हमें सवेरे निकलना पड़ता है गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी का रेंट जो होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का 50 रुपये समथिंग का होता है, जो कि आपको देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। शेयर टैक्सी होती है, उसमें आप सुबह जितनी जल्दी सोनप्रयाग से निकलोगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपको जो है गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करना पड़ता है बाबा केदारनाथ के लिए, जो कि 7 घंटे या 8 घंटे के लगभग आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और उसके लिए जितना आप जल्दी पहुंचोगे, तो शाम में उतना जल्दी ही आप ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर पहुंचने के बाद 6 बजे तक आप अगर पहुंच जाते हो तो 6 बजे वहां पर बाबा के मंदिर में होती है आरती, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने लायक होती है। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलिए, और अदरवाइज अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते, घोड़ा लेना चाहते हैं, तो घोड़े का जो रेंट होता है सरकारी रेट, वो है 2300 रुपये, और बार्गेनिंग करके आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से वहां पर ज्यादा भी पैसे मांग लेते हैं घोड़े वाले। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप अगर जा ही रहे हो तो पैदल यात्रा कीजिए, एडवेंचर का मजा लीजिए, क्योंकि बाबा जी के धाम जा रहे हैं तो बिना मेहनत किए दर्शन पाना भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको 6 बजे आप आरती दीजिए, और वहां के बाद आपने पहुंच जाना है लॉज, जो कि वहां पर उस मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर पीछे ही रहते हैं। वहां पर आपने स्टे करना है, नाइट खाना खाना है, और आराम से, क्योंकि आप थक चुके होंगे काफी पैदल यात्रा करने के बाद, तो आपको करना है आराम, सो जाना है। सुबह उठकर आपने जाना है मंदिर बाबा केदारनाथ जी के धाम, वहां पर माथा टेकना है, माथा टेकने के बाद घूमना है। घूमने के बाद आपको जाना है भैरवनाथ मंदिर, वहां से सारा कुछ घूमने के बाद आपको वापस ट्रैकिंग शुरू कर देनी है 11 बजे। अगर आप वहां पर रुकना चाहते हैं तो एक दिन और भी रुक सकते हैं, अदरवाइज नहीं रुकना चाहते तो आपको 11 बजे कम लगभग वापसी की ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तक गौरीकुंड तक आते आते आपको लेट हो जाता है। उसके बाद गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपने फिर से वही शेयरिंग टैक्सी लेनी है, शेयरिंग टैक्सी के साथ आपने आ जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आते आते आपको हो जाएगी रात, रात होने के बाद आपने वहीं देना है रूम, रूम लेने के बाद स्टे करना है। स्टे करने के बाद फिर भी आप थक चुके होंगे, थकने के बाद खाना खा के सो जाओगे, सोने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपका सेम प्रोसीजर है कि सुबह पकड़नी है आपने बस हरिद्वार के लिए। हरिद्वार शाम तक आप हरिद्वार आ ही जाएंगे, अगर आपकी ट्रेन अवेलेबल है हरिद्वार से आपके शहर जाने के लिए तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो हरिद्वार में काफी सारे लॉज हैं जो 500 या 1000 रुपये समथिंग में रूम मिलते हैं, तो वहां पर आप रुक सकते हैं या हरिद्वार भी घूम सकते हैं, नेक्स्ट डे आप अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन जो आप केदारनाथ बाबा के मंदिर जाने के लिए टाइमिंग, और हाँ, टाइमिंग की बात यह है कि आप जून जुलाई अगर अवॉइड करें तो अच्छा है, अप्रैल मई में जाएं, या फिर अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर में जाएं, क्योंकि मई और जून
ये रश वाला एरिया होता है और यहाँ पर बारिश भी काफी ज्यादा पड़ती है। और हाँ, अगर आप कभी भी अक्टूबर में जाएं या फिर अप्रैल में जाएं, रेनकोट अपने साथ जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां के मौसम का कभी कुछ पता नहीं रहता कब बारिश पड़ जाए, इसलिए अपना रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। दोस्तों, ये थी कुछ बातें बाबा केदारनाथ धाम जाने की। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आप होकर आए या जाने के मूड में है तो नीचे लिख देना जय बाबा केदारनाथ कमेंट में। तब तक अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त नितिन, बाय बाय।